लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का है ना, मैं हूँ देशराज यादव। और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी। बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोती के नालोत्ता में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान कार्यक्रम में बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, पूर्व सांसद एवं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी एवं रिवाला धाम से गणेशानंद महाराज एवं भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव सहित अन्य अतिथि पहुंचे, जिनका चंदेला परिवार की ओर से फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कैप्टन संतलाल चंदेला लगभग 30 वर्ष की देश सेवा कर आज सेवानिवृत्त हुए हैं, जिस दौरान ग्रामीण एवं आसपास के प्रबुद्ध लोगों ने सुबेदार मेजर एवं कैप्टन संतलाल चंदेला का माला एवं साफा पहनाकर व गाजे बाजे से अभिनंदन किया। वहीं महंत बालकनाथ योगी एवं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने फीता काटकर कैप्टन संतलाल एवं उनके परिवार द्वारा बनवाई गई उनके ताऊजी स्वर्गीय रूड़ाराम चंदेला की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक बालकनाथ योगी एवं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कैप्टन संतलाल चंदेला का सम्मान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही परिवार एवं बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं रागनी कंपटीशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिस दौरान संजय पटेल, कंचन यादव, सुरेंद्र बेनीवाल, राजू गोला एंड पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में जवाहरलाल चंदेला, मलाराम चंदेला, सुभाष चंदेला, महेश चंदेला, पूर्व सरपंच अशोक यादव, जिला पार्षद सुनील यादव, डॉक्टर रामशरण गुर्जर, वीरेंद्र गोठड़ी, दिनेश मेहता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप सभी का मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर और मेरे स्वागत और सम्मान के लिए यहाँ आए और आपने मेरे को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन में तकरीबन 19 साल 8 महीने की जब उम्र थी, जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली से सेंटर की भर्ती से भर्ती हुआ और आप लोगों की आशीर्वाद से, सहयोग से सभी ग्रामवासी, यारे प्यारे, रिश्तेदार से समय समय पर जो भी पदोन्नतियाँ हुई वो होती रही। और मैं अभी अपना जो सेना का एक ओआर रैंक से भर्ती होता है उसमें लास्ट रैंक से अचीवमेंट करके 30 साल 5 महीने अपनी सर्विस पूरी करके 1 तारीख को मैं अपना रिजवाइन रिटायरमेंट ले लिया था। 2 दिन में यहाँ रुका हुआ था। हमारा बढ़ जाती है, जितना ड्यूटी पे रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे उससे अधिक तो अब आने वाले समय पर परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उनकी जिम्मेदारियां आने वाले समय पर और भी बढ़कर उनकी जिम्मेदारियों को उनको निभाना होगा। जब मैं मंच पे आया तो संतलाल जी के पुत्र से भी मिला और बताया कि पुत्र भी भारतीय सेना में कार्यरत है, अपने दायित्व का निर्वाह किया परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। अब समाज के उत्थान के लिए आपको अपने जीवन को लगाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को लगाना है और बेटा तो भोज में है ही, तो आपको परिवार की कोई चिंता नहीं है। और समाज के उत्थान के लिए सबसे बढ़िया काम अगर किसी कार्य, किसी दायित्व से जुड़कर किया जा सकता है तो वो संत परंपरा है। तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, बाबा जी बन जाओ, आप पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपका दायित्व भी देश के प्रति है और हमारा दायित्व भी देश के प्रति है। और सबसे बड़ी सेवा एक संन्यास परंपरा के माध्यम से समाज की हो सकती है और उसी को निभाते हुए हम सब लोग आगे बढ़े। लेकिन संत बनना आवश्यक नहीं है, संत के विचार अपने मन में रखकर, जिस भांति संत कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता, सबको समान रूप से लेकर आगे बढ़ता है।
रामेश्वरी देवी एडवांस डेंटल क्लिनिक अब दांतों से संबंधित बड़ी से बड़ी बीमारियों का सफल इलाज वह भी उचित रेट पर डॉक्टर अनीता यादव कोरल डेंटल सर्जन द्वारा, साथ ही एक्सीडेंट में टूटे जबड़ों का भी सफल इलाज। पता 200 मोड़ नजदीक अटल सेवा केंद्र माजरी कला नीमराणा। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक स्थित टैगोर स्कूल बिचपुरी नीमराणा के बच्चों ने इस साल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का चुनाव किया और इसके साथ ही स्कूल में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। इस मतदान ने छात्रों में अपने पसंदीदा शिक्षकों को चुना जिन्होंने उनकी शिक्षा एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के चुनाव में छात्रों ने अपनी पसंद के अनुसार वोट डाले। मतदान प्रक्रिया में हर छात्र को अपने शिक्षक के योगदान और शिक्षण पद्धतियों के आधार पर वोट देने का मौका मिला। विद्यालय के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान परिणाम 5 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। विद्यालय निदेशक राजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि एक अनूठा मतदान छात्रों को उनके शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर उत्साह और खुशी के साथ अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त किया। इस नई पहल की सभी बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने सराहना की। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है होटल हाईवे प्रिंस, स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, जहां एसी रूम, एसी रेस्टोरेंट, एसी बैंक्वेट हॉल, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट, इतना ही नहीं फाइन डिन, बर्थडे, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए बेस्ट पैलेस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। दिल्ली जयपुर हाईवे कांकर दोपा के पास बहरोड। आज हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। थैंक यू होटल हाईवे। और बिल भी बड़ा छोटा सा है। बैरोड क्षेत्र के सरबिंदपुरा गांव में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिस दौरान लगभग 3 दर्जन महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर बाबा श्याम के मंदिर पर धोक लगाई। पंडित ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज कलश यात्रा से की गई। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया जाएगा, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भाग ले रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिला पुरुष मौजूद रहे। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort, the epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. भारत विकास परिषद राठ शाखा बैरोड द्वारा तक्षला सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमजापुर में अतिथियों के स्वागत सम्मान दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गीत के साथ गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर नीलम यादव रही। उन्होंने अपने उद्बोधन में गुरु के महत्व एवं छात्रों की भूमिका पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि सभी छात्रों को अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए चलना चाहिए, जो कि बिना गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के संभव नहीं हो सकता। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि स्कूल डायरेक्टर संजय यादव एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर एस एन मिश्रा रहे। परिषद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का सम्मान किया गया। प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी सुभाष चंद्र मीणा ने भारत विकास परिषद व गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने गुरु का महत्व बताते हुए गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में बहरोड व आसपास के क्षेत्र की 19 स्कूलों से 38 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया, साथ ही 39 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम एवं शाखा अध्यक्ष रूप किशोर गुप्ता, शाखा सचिव अनिल कुमार, संरक्षक सतीश गुप्ता, सतवीर यादव, शिवशंकर गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। तो आज के दिन भर में यही है खास, कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास?